गाइस वेलकम टू माय चैनल, होप यू ऑल आर गुड। सो डियर, आज मैं आप सभी के साथ डेली स्किन केयर रूटीन का एक वीडियो लेके आई हूँ स्पेशली फॉर टीनएजर्स। मेक श्योर दैट टीनएजर्स के लिए है, स्पेशली टीनएजर्स को ऐसा कुछ डाउट रहता है ना अपने माइंड पे कि भाई ये मुझे इफेक्ट कर जाएगा, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, कि ये प्रोडक्ट मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर टीनएजर्स हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं भी एक टीनएजर हूँ ऑफकोर्स। तो मैं भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी बिल्कुल भी जो मेरे फेस को हार्म करे, जो मैं आपको बताऊँ जो आपको हार्म करे। तो भाई आप लोग गालियाँ दो मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी मैं। तो चलिए मैं आपको आगे स्किन केयर रूटीन में आपको दिखाती हूँ कि स्पेशली अभी जैसे कि समर्स आ चुके हैं और आने वाले हैं कहीं कहीं पर, आप समर्स में डेली स्किन केयर रूटीन कैसे कीजिए। ये मैंने वीक का स्किन केयर रूटीन बताया कि मैं हफ्ते में दो बार ऐसा ज़रूर करती हूँ। दो बार तो करना ही करना चाहिए ऐसी चीज़ें। बट यदि आपको डेली स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है मेरी, तो मैं आपको लिए उसका वीडियो भी लेके आऊँगी। उसमें कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ तीन स्टेप आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्लेंजिंग, आप अपना फेस तो सभी धोते हैं, वो तो सभी करते हैं। क्लेंजिंग के बाद टोनिंग एंड देन मॉइस्चराइजिंग। टोन अपने फेस को ज़रूर करना चाहिए, उसके बाद मॉइस्चराइज करना है अपने फेस को, उसके बाद आप जो मेकअप करना चाहते हैं वो मेकअप कर लीजिए। सो चलिए, मेक श्योर दैट वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन कर देना भाई, फ्री है। और कमेंट करके मुझे बताइए आपको यदि कोई और वीडियो चाहिए हो तो। अब से मेरे चैनल पे डेली आपको वीडियोस मिलेंगे, और स्पेशली मेरा चैनल टीनएजर्स के लिए है, तो आप लोग टीनएजर्स तक इसको ज़रूर पहुंचाइए। सो चलिए आगे वीडियो देखिए, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला स्टेप है अपने फेस को क्लेंजिंग, फेस को क्लीन करना। मैं ये गुड वाइब्स का टी ट्री इसलिए यूज़ करी क्योंकि मेरे फेस पे पिंपल्स आते रहते हैं, एज यू कैन सी नाउ हल्का हल्का ये कुछ कुछ है, तो उसको मैं अलग करने के लिए अभी देख सकते हैं कितना डर्ट है मेरे फेस पे, अच्छे तरीके से क्लीन करना है। तो इसको मैं फेस वॉश से फेस करूँगी, ये है फेस वॉश से वॉश करूँगी, सॉरी फोमिंग फेस वॉश है। अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए तो आपको उसका रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये पंप करने से आ गया। अच्छी तरीके से ऐसे वॉश कर लेंगे, 2 मिनट्स मसाज करने के बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए। सारा कुछ एब्जॉर्ब हो गया, अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अब अपना फेस वॉश कर लिया है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है हमारा स्क्रबिंग। आप स्क्रबिंग वाला फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसको डेली बेसिस में यूज़ ना कीजिए, आप उसको वीक में 2 टाइम्स यूज़ कीजिए। अब मैं ये एवर यूथ का स्क्रब यूज़ करूँगी, इजिली आपको बहुत सस्ता आपको किसी भी लोकल स्टोर में आराम से मिल जाएगा, वहाँ से एवर यूथ का फेस स्क्रब लेके यूज़ कर सकते हैं। ये बस इतना सफिशिएंट है मेरे फेस के लिए। और कभी भी आपको स्क्रब ड्राई फेस पे नहीं करना, हमेशा आपको वेट फेस पे स्क्रबिंग करनी है, जिससे कि आपकी स्किन को ज़्यादा हार्म ना हो। सफिशिएंट है ना। अब आपको 2 मिनट्स के लिए अपने फेस पे स्क्रबिंग करनी है। मैं लिप्स के ऊपर भी कर लेती हूँ भाई, क्यों बहुत सारे लोग ऐसा तो कि नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं वो, आई डोंट नो कि क्या रीजन है, क्योंकि भाई अपना स्किन ही है, आपको करनी चाहिए, पूरी स्किन है अपनी एक साथ। मैं खेलो पे भी अच्छी तरीके से कोई भी गलत कमेंट मत कीजिएगा, इट्स माय टॉप, बाकी समझ गए होंगे। मैं 2 मिनट्स अच्छे तरीके से स्क्रब कर लूंगी, उसके बाद वॉश करके आपको फेस दिखाती हूँ अपना। स्क्रबिंग आपको मेक श्योर दैट फ्रेंड्स की स्क्रबिंग आपको वीक में 2 टाइम्स करनी है, और स्पेशली टीनेजर्स आपको 2 टाइम्स ही करनी है। और टीनेजर्स क्या जो भी स्क्रब करते हैं अपने बड़े से लोग, मम्मी पापा, जो भी, आपको 2 टाइम्स ही यूज़ करना है, क्योंकि इसमें जो ग्रेनुल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, एज यू कैन सी, मैं आपको फोकस करके बताती हूँ, दिख रहा है आपको ये जो पार्टिकल्स होते हैं स्क्रब के, अब आप समझ गए होंगे कैसे पार्टिकल्स, वो आपकी स्किन को ज़्यादा हार्म ना करें, क्योंकि स्क्रबिंग हमारे फेस से सारे डर्ट ग्राइंड को निकाल देती है। और आप इस साइड नोज़ के साइड कीजिए, क्योंकि ब्लैक हेड्स रहते हैं जो, कुछ इस तरीके से। चलिए अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ फेस। सो फ्रेंड्स, अब मैंने अपना फेस वॉश फिर से कर लिया है स्क्रबिंग करने के बाद।
Now as you can see, I feel so soft. आप समझ सकते हैं? Scrubbing करने के बाद skin एकदम soft, plumpy हो जाती है. बहुत अच्छा लग रहा है मेरा face. Then अब आपको सिर्फ और सिर्फ pat dry करना है अपने face को. आप कभी भी इस तरीके से रगड़ के जो आजकल करके पोछ लेते हैं ना, वैसे बिल्कुल मत करिए. हमेशा आपको इस तरीके से pat dry करके अपने skin को dry करना है. और मेक श्योर दैट फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि आपको हमेशा अपनी टाल अलग रखनी है, मतलब जो किसी के साथ शेयर ना करें आप. अपने बॉडी पार्ट्स के लिए अलग, अपने फेस के लिए अलग, और अपने प्राइवेट पार्ट्स के लिए अलग, तीनों के लिए अलग. बट फेस के लिए तो एक आप अलग नैपकिन अलग से रखिए, ज़रूरी है. अब मेरा फेस पूरा ड्राई हो चुका है. सॉरी बैक से कुछ आवाज़ आती है तो, क्योंकि घर पर सभी लोग हैं. नेक्स्ट अब थर्ड स्टेप है मेरा अपने फेस को, मैंने अपने फेस को क्लेंजिंग कर लिया है, स्क्रबिंग कर लिया है. नेक्स्ट फेस अब अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है, वो भी फेस पैक के थ्रू. फेस पैक आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बट वीक में ओनली वन टाइम. फेस पैक वीक में वन टाइम होता है. और आप देख सकते हैं मेरी आंखों में फ़र्क है, थोड़ा ज़्यादा डार्क है, सिर्फ थोड़ा लाइट है. ये मेरा डार्क सर्कल है, बट ये मेरा डार्क सर्कल नहीं, एक्सीडेंट हो गया था ना तो उसके चक्कर में. तो प्लीज़ आपको कुछ कमेंट ना कीजिए ऐसा गलत की खुद, तो अपना पहले सही कर ले. तो मैं थोड़ा सा हनी लूँगी जो कि बहुत अच्छा काम करेगा मेरे फेस को. आप सभी जानते हैं कि हनी इज़ अ नेचुरल फेस पैक फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग स्किन. मैं ये थोड़ा सा हनी लेके, और आपको ज़्यादा देर अपने फेस पे नहीं लगाना है, सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट अपने फेस पे लगे रहने देना है. उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए. एक तो ये आपके फेस को मॉइस्चराइज कर देगा अच्छे तरीके से. देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फेस पैक हो तो ही आप फेस पैक लगा सकते हैं, आप इसको लगा सकते हैं. सबसे बेस्ट है ये फेस पैक के मामले में. एक तो एकदम ओरिजिनल और बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे उस चीज़ को, कि इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपके स्किन को बिल्कुल भी. और जो ड्राई स्किन वाले हैं तो उनके लिए तो भाई ये सोने पर सुहागा है. वो तो आपको पता होगा कि हनी क्या काम करता है आपकी स्किन पर. आपको अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है, जिससे ये आपके पोर्स के अंदर जा सके, आपके स्किन में थोड़ा ड्राई हो जाए. आप देख सकते हैं मेरी स्किन इस तरीके की होनी चाहिए. वैसे चिपचिप जो हो जाता है ना, वैसा होना चाहिए. उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद अपना फेस फिर से वॉश कर लीजिए. मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, आप रिजल्ट देख सकते हैं. थोड़ा और क्लीन लग रहा है मुझे, शाइन लग रही है मेरे फेस पे. आपको ऑन कैमरा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट आई फील और थोड़ा और सॉफ्ट टम्प हो गया है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टोनिंग. अब मैं अपने फेस को टोन करूँगी. सबसे पहले टोनिंग करूँगी, तो टोनिंग के लिए मैं आपको उसको ज़्यादा हाई फाई, कुछ ज़्यादा क्लासी नहीं बताऊँगी. आपके पास नॉर्मली होता है, सबके घर पर होता है रोज़ वाटर, और नहीं होता तो आप पास की किसी भी दुकान से जाकर जल्दी से ले आइए. 10 to 15 rupees, मतलब ऐसे कुछ 40-60 rupees में आ जाता है. मेरे पास ये 45 मेरा 45 का है, तो आप खुद ही देख सकते हैं. ये मेरे पास डाबर का गुलाबरी रोज़ वाटर है. आप इसको यूज़ कीजिए एज अ टोनर. आप इसको कॉटन की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं, या तो जैसे मैं करती हूँ आप वैसे कर सकते हैं. आपको इस तरीके से अपने हाथ में लेना है और बेस्ट टोनर है. टोनर बहुत ज़रूरी है, आपको अप्लाई करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में, क्योंकि ये आपके ओपन पोर्स को क्लोज करने में हेल्प करता है. अब आपको इसको पोछना नहीं है किसी चीज़ से, आपको इसी तरीके से इसको ड्राई होने देना है. नाउ यू कैन सी बिल्कुल ये भी ड्राई हो चुका है. आप मेरा फेस देख सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. फ्रेश फ्रेश फील होता है टोनर अप्लाई करने के बाद. टोनर में वो भी गुलाब जल मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा है. नेक्स्ट अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी. तो मॉइस्चराइज करने के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट कि वो मॉइस्चराइज़र फेस का हो. बॉडी वाला मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस पे बिल्कुल यूज़ ना कीजिए, क्योंकि हार्मफुल होता है ऑफकोर्स, क्योंकि वो बॉडी के लिए होता है. बॉडी स्किन इतनी डेलिकेटेड और इतनी सॉफ्ट, इतनी पैम्पर नहीं होती जो फेस की होती है. ओके तो मैं अभी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करूँगी. समर में इतना यूज़ इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये मैं मामा अर्थ का विटामिन सी सीरम यूज़ करूँगी. मुझे सीरम की अभी बहुत ज़रूरत है. मेरा फेस पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई अपने फेस में, तो थोड़ा हो चुका है, दिक्कत आ गई है. उसके बाद अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी. आप पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, आप हिमालय का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, नीविया का बेस्ट होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ मैंने अब अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया है सीरम की हेल्प से.
और अब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी। मैं ये बायोटिक का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा टिंटेड है बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत जल्दी आपके लिप्स को स्मूथ कर देता है और थोड़ा सा कलर छोड़ के जाता है जब आप इसको एंड में इसको पोंछ लोगे ना तब, जब ये छूट जाएगा। तो मेक श्योर दैट आप अपने अंडर आई एरिया को भी मॉइस्चराइज करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ये मामर्थ, ये भी मामर्थ का अंडर आई क्रीम डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ। आपको ये वन पंप लेना है और उसको अपनी इस वाली फिंगर की हेल्प से अपनी अंडर आई एरिया पे 1 मिनट मसाज करना है। ये आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में बहुत हेल्प करती है फ्रेंड्स। और आप सुबह अपना फेस वॉश ऐसे ही करते हो ना नहाने के बाद, आप तब भी इसको अप्लाई करके छोड़ दीजिए, 2 मिनट में ये सूख जाएगी अच्छी तरीके से। और फिर जब सोने जाते हो ना तो रात को तो भाई मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपकी स्किन एकदम शांत रहती है, एकदम मतलब बिल्कुल उसको तकलीफ नहीं होती है रात को कुछ भी। तो बिल्कुल मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ मैंने अब अपने अंडर आई एरिया को भी मसाज कर लिया है, 2 मिनट के बाद जैसे ये थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अब थोड़ा ये ड्राई हो चुका है, मतलब एब्जॉर्ब हो चुका है, उसके बाद मैं लास्ट फिर से मामा अर्थ का प्रोडक्ट, आई जस्ट लव मामा अर्थ ब्रांड, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं और बिल्कुल हार्मफुल नहीं रहते, इसमें नो पैराबेन, नो सल्फेट और बहुत ही अच्छे इंडियन, मतलब अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये मामा अर्थ का अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन यूज़ करूँगी, इंडियन सनस्क्रीन, बहुत अच्छी है बिलीव मी। आप घर पर हैं थोड़ी सी अप्लाई कीजिए और बाहर जा रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा से कर लीजिए, घर पर है ना तो आपके लिए इतनी भी सफिशिएंट है, बट थोड़ा बाहर जा रहे हैं तो इतनी अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। कभी भी आपको मेक श्योर दैट कि सनस्क्रीन अप्लाई करते करने के बाद मसाज नहीं देना है अपने फेस को, नॉर्मली ऐसी पैट्रा करके, मतलब ऐसा सा करके छोड़ देना है, वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपको मसाज नहीं करनी होती है सनस्क्रीन से, वो अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती है, आपका फेस अपने आप सनस्क्रीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद सनस्क्रीन, आप कभी बाहर जा रहे हैं सनस्क्रीन लगा रहे हैं अपने बॉडी में अपने फेस पे, तो हमेशा मेक श्योर दैट कि आधा घंटे पहले लगाएं, आधा घंटे आपको मिनिमम सनस्क्रीन को ऐसी लगा के छोड़ना है, उसके बाद आधा घंटे के बाद आप मेकअप कीजिए और उसके बाद आप बाहर जाइए, जिससे कि ये टाइम लेता है एब्जॉर्ब होने में, टाइम लेता है। आपको हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से पूरे फेस पे स्प्रेड कर देना है, थोड़ा बहुत जो बच गया। नाउ माय स्किन केयर रूटीन इज कंप्लीट। ये आपको वीक में 2 टाइम्स करना है, बट आप जो डेली करेंगे तो उसमें आपको क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करना ही करना है और अंडर आई क्रीम। सो मैं बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। Bye, I love you all.